fascinating book. Such kahiye to, you know, he will talk in English and Hindi, and Kanhaiya ji said that he will flow in any of the languages concerned. लेकिन आपकी जो कहानी है वो बहुत ही एक दिलकश और ये कहते हैं दिलचस्प एक दास्तान है, इस पर हम चर्चा करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि जेएनयू में हर रोज, अब इस पर गौर कीजिए कन्हैया जी, हर रोज 2000 दारू की बोतल और 3000 कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है. 2000 दारू के बोतल, 3000 कॉन्डोम हर रोज. तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वहां पढ़ाई लिखाई कब होता है? आपका शायद वो काम कर रहा होगा, चेक कर लेता हूं. ये आवाज आ रही है? मैं आवाज आएगी ये विपक्ष का स्टेज. फिर तो स्थिति पलट भी सकती है ना. पलट भी सकती है या बदलेगी वो तो देखेंगे. हम लोग कहीं बाबा रामदेव भविष्यवाणी कर रहे हैं. तो इन्होंने पूछा कि कुछ 3000 कॉन्डोम और कुछ 1000 बोतलें वहां मिलती हैं, पढ़ते कम हैं. एक तो इस पे ये कहा जा सकता है कि भाजपा के जिस नेता ने बोतल और कॉन्डोम गिना वो गिन रहे थे, हम किताब लिख रहे थे. और मेरी किताब आपके सामने है, उनकी गिनती गलत थी क्योंकि वो विधायक थे ज्ञान देव अबूजा, जिनको हम अज्ञान देव बेहुदा भी कह सकते हैं. नहीं, वो नाम बदलते रहते हैं ना शहर का. आजकल हम भी एक काम शुरू किए, हर भाजपा नेता का नाम बदल देते हैं. मोदी जी का नाम बदल करके हमने गप्पू जी कर दिया. तो वो साहब जो है वो गिनती ठीक से नहीं गिने, इसीलिए जो है गुस्सा आ गया आरएसएस को, उनका टिकट इस बार काट दिया गया. नहीं, ये बात सही है, मुझे जिनको टिकट नहीं मिला है. लेकिन आप ये बताइए कि अच्छा, एक बात मुझे आप भी बताइए, आपसे भी पूछना जरूरी है क्योंकि आप भी एक पार्टी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन. हाँ ठीक है. कॉन्डोम का इस्तेमाल गलत है क्या? देखिए, मैंने भी कुछ किताबें लिखी है. सरकार कितना खर्च करती है, हम दो हमारे दो परिवार नियोजन है, कितना खर्चा करती है सरकार. अब विद्यार्थी यदि अवेयर हो गए हैं सरकार की जागरूकता अभियान के, तो ये गलत बात है. सरकार चाहती है ना कि रिजल्ट आए, लोग कंडोम का इस्तेमाल करें. अगर कहिए कि अपराध है, पाप है, ये नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, फिर सरकार अपना ये परिवार नियोजन का कार्यक्रम वापस ले ले. इसमें क्या गलत है? सवाल क्या है? सवाल ये है सर कि लोगों की नजर में आपको बदनाम कर दिया जाए, लेकिन अगर किसी इंसान का किसी इंसान के साथ सोना बदनामी है तो हम सब बदनाम हैं. मैंने अवतार आप में से किसी का हुआ है क्या? कोई बता दीजिए हमारा अवतार हुआ है, या मेरी मम्मी हमको पेड़ से तोड़ के लाई है, किसी का भी. सर हम मिलेनियल बॉय 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हमारी मॉरलिटी क्या होगी, हमारा एथिक्स क्या होगा, हम प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं, माय बॉडी माय राइट का हमारा क्या मतलब है, राइट टू सेक्स हमारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, हम इन चीजों पे बात करेंगे. जिसको मंदिर बनाना है बना ले, हम रोक नहीं रहे. जिसको मंदिर बनाना है बना ले, हम रोक नहीं रहे. लेकिन आप हमसे हमारा मुद्दा नहीं छीन सकते. और एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री हमारा मुद्दा यह है कि इस देश में करप्शन फ्री सोसाइटी होना चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छी हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए. हम इस पे बात करेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके सचमुच दुनिया के सबसे बेहतर देश बन सकते हैं. यह हमारा मुद्दा है. जिसको गाय को पूजना है पूजे, कोई दिक्कत नहीं. जिसको गोबर खाना है खाए, उनको कोई दिक्कत नहीं.
जिसको पिशाब बेचना है बेचे, बोतल में बंद होकर के बिक रहा है, बेचे खरीदे हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारा मुद्दा क्या है? हमको आज आते हुए एक दोस्त ने कहा कि सूर्य तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गया है। हम बोले कहाँ? मीडिया में, कोर्ट में तो अभी तक नहीं हुआ है। चलो हो भी गया है मान लेते हैं, तो हमको जेल में डाल दीजिए मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भरोसा है क्योंकि इस देश का जो सिंबल है अशोक स्तंभ, उसके ऊपर लिखा हुआ सत्यमेव जयते, और यहाँ पीछे भी वही लिखा हुआ है, सच तो सामने आएगा ना। इसी पर मैं आपको जवाब देता हूँ, सत्य तो सामने आएगा ना, हमको उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। और जिनको लगता है कि झूठ से जीता जा सकता है तो वो हमारे साथ चले, उसको हम नारियल के पेड़ के सामने खड़ा करते हैं और उसको आम आम 1000 बोल करके नारियल को आम बनाते हैं। सच सच होता है। हमको आप जेल में डालिए, लेकिन हम सवाल ये पूछेंगे कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपया कब डाल रहे हैं मोदी जी? हम अपना क्वेश्चन नहीं बदलेंगे। आप जो हर बार अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर देते हैं, हम नहीं करने वाले हैं। हमको 2014 का मोदी जी का भाषण याद है, एक एक लाइन याद है, सबसे ज्यादा उन्हीं को सुने हैं हम। और जानते हैं मोदी जी ने आइडियल का ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है, कोई भी अच्छा लगता है देश में, कोई भी। और आप ये सोचिए, आप सब समझिए, 2014 में जिन नौजवानों ने पहली बार वोट किया, जीवन में पहली बार, ऐसे करके फोटो खिंचाए थे ट्विटर पे, और पहली बार ही मोदी जी को वोट दे लिया, उनका तो पहले प्यार का ब्रेकअप हो गया। मैंने क्या हो गया? निकलने में वक्त लगेगा लेकिन निकल जाएंगे। पहले प्यार के ब्रेकअप से भी लोगों को प्यार का मतलब समझ में आता है। आपको कई बार डील करेगा कि अब कोई नहीं है तो उधर ही चले जाते हैं, नहीं ब्रेकअप हो गया है, नया ऑप्शन देखिए। चलिए, कन्हैया जी ने शुरू शुरू में हम लोग को कॉन्डोम और लव स्टोरी के साथ आज की वार्तालाप या गुफ्तगु का शुरुआत किया है। आप ये बताइए कि आपको ये लगता है ये राजनीतिक प्रतिशोध है, क्योंकि ये अचानक 3 साल के बाद, 3 साल पहले ये जेल में थे, लगभग 3 साल, और अचानक हमने अखबार में कल पढ़ा कि आपके और अनिर्बान भट्टाचार्य उमर खालिद के विरुद्ध ये चार्जशीट आने वाला है। आपको डर नहीं लगता? क्योंकि मुझे याद है आपकी किताब के शुरू शुरू के पन्नों में आपने लिखा है, और ये जब बैठे हुए थे पुलिस के ऑफिस में, तो इनको वहां पर एक शख्स आए और इनको बोला देशद्रोही साले। जब आप ऐसे शब्द आपके तरफ किसी ने प्रयोग किया, बहुत ही जो शक्तिशाली लोग हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि इनको नया शहर नहीं बनाना है, पुराने शहर का ही नाम बदल देना है। ये अब राष्ट्रभक्त तो हो नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के वक्त जो किया था वो इतिहास में लिख छप चुका है। ये कितना भी वीर वीर कहते रहे, सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, ये सच है, इसको ये बदल नहीं सकते। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, इस बात को ये बदल नहीं सकते। इन्होंने तिरंगा झंडा जलाया, इस बात को ये बदल नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने विरोध किया, इस बात को ये नहीं बदल सकते। इन्होंने तरीका अपनाया, एक जोक चल रहा था सर, जब 3 राज्यों में बीजेपी हार गई तो मोदी जी योगी जी को फोन किए कि अब क्या करें, कांग्रेस का नाम बीजेपी रखें। नाम बदलने में इनको बहुत मजा आता है, तो ये राष्ट्रभक्त तो नहीं हो सकते हैं। तो जो इस देश में देशभक्त है उसको इन्होंने देशद्रोही कहना शुरू कर दिया है। शुरू में बहुत खराब लगा, क्योंकि झुकता है ना, बिल्कुल गाली जैसा है वो, अगर आपको देशद्रोही कहे और आप नहीं है तो चुभता है। हालांकि हम जो है हमको वो भी कह देता कई बार बुरा लग जाता है, दिल्ली में अगर कोई कह दे बिहारी, जबकि हम वो है फिर भी कई बार बुरा लग जाता है। तो मतलब यह है कि कहने का उद्देश्य क्या है, कोनोटेशन क्या है, तो कोनोटेशन समझ में आ गया। यहां कोनोटेशन उनका यह है कि वो देशद्रोही है और देश का इतिहास ये बात जानता है, तो वो दूसरे को देशद्रोही कह करके अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बुरा नहीं लगता। इफ यू आर अगेंस्ट दिस रिजीम बिकॉज ऑफ देयर एंटी पीपल पॉलिसी, यू विल बी ब्रांडेड एज एंटी नेशनल। सो इन दिस पीरियड बीइंग एंटी नेशनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द नेशनल।